नमस्कार दोस्तों, तो हम देख रहे हैं विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्हों के बारे में हम जानकारी देख रहे हैं। हाँ, कुल मिलकर कितने विराम चिन्ह हैं? 12 विराम चिन्ह है। कितने हैं? 12। उसमें से पहले जो 6 विराम चिन्ह हैं उनके बारे में हमने कल जानकारी देखी है। आज हम बचे हुए जो 6 विराम चिन्ह हैं उनके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। हाँ, देखो, कल हमने कौन कौन से चिन्हों के बारे में जानकारी देखी? एक पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा विस्मय सूचक चिन्ह और छठा योजक चिन्ह। हाँ, इनके बारे में हमने जानकारी देखी है। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे के विराम चिन्ह कौन से हैं और वो कहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। देखो, आज जो हमारा सातवां विराम चिन्ह है वह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। देखो, इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप और कथोपकथन आदि में किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के नाम के पूर्व किया जाता है। देखो, कौन सा चिन्ह हम देख रहे हैं? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? फिर से देखो, इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, हम संवाद करते हैं या संवादों को लिखते हैं, वार्तालाप यानी जिसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं, बोलते हैं, और कथोपकथन आदि में किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के नाम के पूर्व किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप और कथोपकथन आदि में किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के नाम के पूर्व किया जाता है। जैसे, मतलब उदाहरण के लिए, मयूर ने कहा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। देखो, मयूर ने क्या कहा, उसके ओर निर्देश किया है। हाँ, निर्देशक चिन्ह, उसकी ओर निर्देश किया है। मयूर ने क्या कहा है? मयूर ने ये कहा है कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। कौन प्रसन्न है? मयूर प्रसन्न है। मयूर ने क्या कहा है वह यहां पर लिखा है, उसकी ओर निर्देश किया है। हाँ, मयूर ने कहा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। दूसरा देखो, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाला लजपत राय। देखो, अब लाला लजपत राय के पहले इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। मतलब यह जो वाक्य है, यह जो संवाद है, ये किसने किया है? लाला लजपत राय ने किया है, किसी लेखक के नाम के पूर्व। अब इसका लेखक कौन है? लाला लजपत राय है। इनके नाम के पूर्व यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है? निर्देशक चिन्ह आया है। समझ में आ रहा है? देखो, फिर से देखो, पहला उदाहरण, मयूर ने कहा, मयूर ने क्या कहा वह यहाँ पर लिखा है और वो दिखाया है, उसको निर्देश किया है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। बराबर है? इस कथन के पहले या मयूर ने क्या कहा है उसके बाद ये निर्देशक चिन्ह आया है और उसके बाद वह कथन आया है, वह संवाद आया है। उसके बाद दूसरा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? लाला लजपत राय ने कहा है, निर्देश किया है। इधर दिखाया है कि यह वाक्य किसने कहा है? लाला लजपत राय ने कहा है, निर्देश किया, दिखाया है। आगे देखो, आठवां चिन्ह है उदाहरण चिन्ह। आठवां चिन्ह है उदाहरण चिन्ह। हाँ, देखो, उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को, किसी व्यक्ति के कथन को, लेखक के उपनाम को, पुस्तक के शीर्षक को लिखते समय उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह, देखो, किसी व्यक्ति के कथन को लिखते समय, मतलब किसने क्या कहा है उसे लिखते समय, देखो, जैसे कि यहां पर लिखा है लाला लजपत राय ने, क्या लिखा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे, ये इस वाक्य को लिखा है, तो वाक्य
यह वाक्य उदाहरण चिन्ह में लिखा है। किसमें लिखा है? उदाहरण चिन्ह में लिखा है। देखो यहाँ पर उदाहरण चिन्ह आया है, आया ना? हाँ? देखो, किसी व्यक्ति के कथन को, लेखक के उपनाम को, पुस्तक के शीर्षक को लिखते समय उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ? यहाँ पर इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह, इसमें से कौन सा भी चिन्ह हो सकता है? देखो यहाँ पर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दोहरा उदाहरण चिन्ह आया है, आया ना? देखो नीचे जो उदाहरण दिए हैं उसे देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो, अब सूर्यकांत त्रिपाठी किसका नाम है? एक लेखक का नाम है। किसका नाम है? लेखक का नाम है। हाँ, उपनाम जो है वो उपनाम क्या है? निराला है। इस उपनाम को लिखते समय इकहरा उदाहरण चिन्ह में लिखा गया है। हाँ? आगे देखो दूसरा, गांधी जी ने कहा। अब देखो जैसे कि ऊपर हमने देखा था लाला लाजपत राय ने जो भी कुछ कहा था उसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा था। हाँ? सही रूप से देखा जाए तो यह जो उदाहरण है यह उदाहरण निर्देशक चिन्ह में आया है और यह उदाहरण इसमें भी आ सकता है। हाँ? देखो उदाहरण चिन्ह में भी आ सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और दूसरा है गांधी जी ने कहा अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी अहिंसावादी, मतलब हिंसा करना उनको पसंद नहीं था। हाँ? गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा है वह यहां पर उदाहरण चिन्ह में लिखा है। हाँ? क्या कहा? उदाहरण के लिए अहिंसा परम धर्म है। यहां पर दोहरा उदाहरण चिन्ह आया है और यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी उदाहरण चिन्ह में लिखा गया है, लेकिन यहां पर इकहरा उदाहरण चिन्ह आया है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, नौवां चिन्ह है विवरण चिन्ह। नौवां चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है हम देखते हैं। देखो, सूचना या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो, अगली पंक्ति कोई सूचना देनी है या उदाहरण देना है और उसे जब अगली पंक्ति में लिखा जाता है, देखो फिर से, सूचना या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ऐसा सवाल आता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए और उसके आगे ये इस प्रकार का विवरण चिन्ह दिया जाता है और जिस पंक्ति को या जिस वाक्य को हमें शुद्ध करना पड़ता है वह वाक्य आगे लिखा जाता है। हाँ? उसके पहले क्या आता है? यह विवरण चिन्ह आता है, इस स्थान पर विवरण चिन्ह आता है। फिर से देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हाँ? उसके बाद ऐसा विवरण चिन्ह दिया जाता है और उसके बाद वाक्य दिया जाता है। विवरण चिन्ह का इस्तेमाल कहां किया जाता है ये यहां पर बताया है। आगे देखो, निबंध लिखिए। हाँ? उसके बाद भी क्या किया जाता है? विवरण चिन्ह दिया जाता है और निबंध के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पर दिया है मेरा विद्यालय। हाँ? विवरण चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों के बाद किया जाता है? हाँ? देखो सातवां हमने देखा निर्देशक चिन्ह, जैसे कि मयूर ने कहा मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने कहा है। जैसे कि उदाहरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को, लेखक के उपनाम को, पुस्तक के शीर्षक को लिखते समय उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर इकहरा उदाहरण चिन्ह भी हो सकता है और दोहरा उदाहरण चिन्ह भी हो सकता है। हाँ? देखो विवरण चिन्ह सूचना या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए और उसके आगे क्या दिया है? विवरण चिन्ह दिया है और विवरण चिन्ह के बाद वह वाक्य दिया जाता है। निबंध लिखिए, इसके बाद भी यहां पर क्या दिया है? विवरण चिन्ह दिया है और उसके बाद निबंध का एक विषय दिया है, जैसे कि मेरा विद्यालय। हाँ? अब आगे देखो, देखो हमारा जो दसवां विराम चिन्ह है वह कौन सा है? देखो कोष्टक चिन्ह, कौन सा है? कोष्टक चिन्ह। हाँ? देखो कोष्टक
चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच आए क्रम सूचक अंक या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए किया जाता है। देखो, जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं तब कभी कभार वहां पर क्रमबद्ध जैसे अंक आते हैं, जैसे कि क ख ग ग या 1 2 3 4, तब उन अंकों को किस चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है? कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। देखो, कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच आए क्रम सूचक अंक या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए किया जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर देखो, शीतल बया यानी ठंडी हवा चल रही है। शीतल बया, शीतल बया का यहां पर अर्थ क्या है? ठंडी हवा। क्या है? ठंडी हवा, मतलब शीतल बया। यह समझो कि हमारे लिए कैसा शब्द है? कठिन शब्द है। कैसा है? कठिन शब्द है। और इस शब्द का अर्थ यहां पर कोष्ठक में दिया गया है। किसमें दिया है? कोष्ठक चिन्ह में दिया है, ठंडी हवा। शीतल बया यानी ठंडी हवा चल रही है। दूसरा उदाहरण देखो, संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जैसे कि पहला को, को किसमें लिखा है? कोष्ठक में लिखा है। किसमें लिखा है? कोष्ठक में लिखा है, स्वर संधि। उसके बाद ख, कोष्ठक में लिखा है, व्यंजन संधि। और उसके बाद ग, कोष्ठक चिन्ह में लिखा है, विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है? आगे देखो, हंस पद। अब हंस पद का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है या कहां पर किया जाता है? देखो, वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर नीचे हंस पद को लगा दिया जाता है। देखो, हम जब लिखते हैं तब गड़बड़ी में आकर एकाधा शब्द हमारे हाथ से लिखते समय छूट जाता है और आगे का शब्द हम लिखते हैं, और बाद में वो शब्द हमारे ध्यान में आता है, अरे नहीं, ये शब्द यहां पर छूट गया है, तो वो शब्द उस पंक्ति में लिखने के लिए उधर हमें जगह नहीं रहती, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस शब्द को ऊपर लिखना पड़ता है। और जब हम ऊपर लिखते हैं तब हमें वहां पर कौन सा चिन्ह देना पड़ता है? हंस पद देना पड़ता है। कौन सा चिन्ह? हंस पद। ये देखो, यहां पर वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर नीचे हंस पद को लगा दिया जाता है। जैसे जैसे यानी उदाहरण देखो, बेटा सुबह उठा करो, बेटा सुबह उठा करो। अब यहां पर बीच में एक शब्द रह गया है और वह शब्द कौन सा है? जल्दी। वह शब्द कौन सा है? जल्दी, जो यहां पर नहीं लिखा था। अब इस शब्द को इस वाक्य के ऊपर लिखा है और जिस जगह पर वह शब्द लिखना चाहिए था उस जगह पर यहां पर क्या दिया है? हंस पद दिया है। क्या दिया है? हंस पद। देखो, जैसे बेटा सुबह जल्दी उठा करो। आगे देखो, लाघव चिन्ह, अंतिम चिन्ह, 12वां चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखो, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर या डॉक्टर, हिंदी में हम उसे डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में उसका उच्चारण कैसा है? डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर शब्द लिखते समय हम ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्टकट कहते हैं, संक्षिप्त रूप में डॉ, और उसके बाद क्या दिया है यहां पर? लाघव चिन्ह दिया है। पंडित, पंडित सिर्फ प लिखते हैं और उसके बाद लाघव चिन्ह देते हैं, हाँ या ना? हाँ। अब अपना नाम भी कभी कभार संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, हाँ या ना? तब उसके बाद हमें कौन सा चिन्ह देना चाहिए?
लाघव चिन्ह देना चाहिए। कौन सा चिन्ह देना चाहिए? लाघव चिन्ह। देखो फिर से, लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर डॉ, पंडित प आदि। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 1 से 12 तक जो विराम चिन्ह है जिसका इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी समाप्त हो गई है। धन्यवाद।